क्वेश्चन दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डाइपल मोमेंट। आपको बोलाएगी कि डाइपल मोमेंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ए वाला दे रखा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम कैन गिव राइज डाइपल मोमेंट। बी वाला दे रखा है, डाइपल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। सी वाला दे रखा है, CO2 मॉलिक्यूल हैज डाइपल मोमेंट। डी वाला दे रखा है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए कंबाइनिंग एटम कैन लीड टू डाइपल मोमेंट। हमें चेक करते हैं तो हमारे ये जो भी क्वेश्चन है ये आपका बिलोंग करता है केमिकल बॉन्डिंग से, इसका भी सब टॉपिक है आपका डाइपल मोमेंट। हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा इसका डाइपल मोमेंट। पहले बात करते हैं हम डाइपल मोमेंट हमारा क्या होता है। यहाँ पे डाइपल मोमेंट होता है, यहाँ पे कोई भी हमारा ए मॉलिक्यूल है इसके साथ जुड़ा हुआ है कोई बी मॉलिक्यूल, इनके बीच में यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मतलब फॉर एग्जांपल इसका मैं 2 मान लेता हूँ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 3, तो यहाँ पे डिफरेंस है। तो फिर यहाँ पे डाइपल मोमेंट की डायरेक्शन होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी डायरेक्शन होगी, तो हम बोल सकते हैं या बोल सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। तो इसके अंदर देखो इसकी डायरेक्शन देखते हैं डाइपोल मोमेंट की, इसकी डायरेक्शन भी दी जाती है और इसका मैग्नीट्यूड भी रखा जाता है, मतलब इसका जो इसको डिफाइन करते हैं तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, मतलब ये आपकी राशि है यहाँ पे कौन सी है वेक्टर क्वांटिटी। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 को, ऑप्शन नंबर 1 बोल रखा है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम कैन राइज टू डाइपोल मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक कंपाउंड है, इसकी 4 वैलेंसी है, यहाँ पे आपका एच जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एच ऐसे मान लो, तो यहाँ पे आपका लोन पेयर है, तो आपको पता है इसकी तरफ से इनकी तरफ ये हो जाएगा, ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी। और इसकी ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ इसकी डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ होगी लोन पेयर की तरफ। यहाँ पे ओवरऑल बात करता हूँ इसके डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट क्या होगा, म्यू रिजल्टेंट 0, नॉट 0। हम बात कर बोल सकते हैं यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट है ये लोन पेयर क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, राइज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है आपका राइट, ऑप्शन नंबर बी है आपका, ये बोल रहा है आपको कि डाइपोल मोमेंट इन वेक्टर क्वांटिटी है। देखो हमने यहाँ से देखा है कि इसका डाइपोल मोमेंट देखें तो डाइपोल मोमेंट होता है इसके बीच की डिस्टेंस इंटू दोनों का चार्ज इंटू डायरेक्शन, आपका डाइपोल मोमेंट है ये डिपेंड करता है डायरेक्शन। एंड मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है। आपको पता है जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है उससे क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं आपका डाइपोल मोमेंट भी कैसा है वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपका ऑप्शन नंबर बी भी क्या है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी है ये दे रखा है आपको CO2 मॉलिक्यूल हैज ए डाइपोल मोमेंट। तो आपको बोला है कि CO2 मॉलिक्यूल है ये डाइपोल मोमेंट रखता है, तो यहाँ से हम चेक करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका ऑक्सीजन है, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे सेंट्रल एटम से इस साइड हो जाएगी। यहाँ पे ओवरऑल बात करूँ मैं कि दोनों का क्या है डायरेक्शन तो क्या है अपोजिट है, और यहाँ पे चेक करें कि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है सेम है, तो ये दोनों से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे म्यू रिजल्टेंट चेक करता हूँ तो यहाँ पे कितना प्राप्त होता है मुझे, तो हम बोल सकते हैं CO2 है ये तो क्या है हमारा डाइपोल मोमेंट कितना है इसका 0, जब किसी ने बोल रखा है डाइपोल मोमेंट रखता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। ऐसे ऑप्शन नंबर डी की बात करता हूँ, ऑप्शन नंबर डी है आपका, यहाँ पे बोल रखा है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कंबाइनिंग एटम कैन लीड द डबल मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं CO2 का एक यहाँ पे भाग लेता हूँ C(OO), यहाँ पे ये ले लेते हैं, यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन की देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 3.5, यहाँ पे कार्बन की होती है 2.5। देखो डिफरेंस होता है, जिसने भी बोला है कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कंबाइन एटम, तो कंबाइन करते हैं वो एटम के बीच में डबल मोमेंट होता है यदि डिफरेंस हो। डिफरेंस क्या होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोन एटम की तरफ डायरेक्शन होती है, मतलब आपका ये वाला मॉलिक्यूल क्या रखता है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट रखता है। इसी एग्जांपल को दूसरे एग्जांपल से देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल HCl, इनके अंदर भी देखो एस हाइड्रोजन की होती है 2.1, Cl की होती है 3, इसमें डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, मतलब आपका सिंगल मॉलिक्यूल यहाँ पे मॉलिक्यूल जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है उसके अंदर आपका कन्फर्म है उसके यहाँ पे डाइपोल मोमेंट तो होगा।
इन दोनों के यहाँ पे इसका म्यू टोटल नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, हम बोल सकते हैं CO2 के अंदर जीरो आ रहा था क्योंकि इतना इधर साइड आ रहा है उतना ही साइड से कैंसिल हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या है, करेक्ट। हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपको बोला कि कितने स्टेटमेंट हैं आपका करेक्ट है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे ए बी एंड डी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर डेप्रोवमेंट। आई होप अंडरस्टूड, इट विल बी, थैंक यू।